Welcome back to our channel. Today we are going to discuss the ideas of our next cue card, which is describe a job you would not like to do in the future. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ. Our bullet points are what is a job? A job ਕਿਹੜੀ ਹੈ? Second one is how you heard about it. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋਬ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ? Third one is why you don't want to do it. ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? Fourth one is how you feel about this job. To see this job nu lage ki feel karde ho ta oh dasna hai tusi. Our journal line is these days people are provided with various opportunities to work in different fields according to their interest, but they have to face many obstacles. Kehne hunde dinan de vich lokan kole bahut edda di opportunities hagiyan ne vi oh alag alag fields de vich hane kaam kar sakde ne, but ohna nu kuch problems face karniyan pendiyan ne. So, अपना फर्स्ट जिहड़ा है बुलेट पॉइंट उहदे विच आपां कहना है इज व्हाट इज द जॉब. वो जॉब कीड़ी आ पहले विच जॉब दस देंगे वी ओ कीड़ी जॉब आ. अकॉर्डिंग टू मी कहते मेरे हिसाब दे नाल द जॉब ऑफ सेल्समैन इज वेरी हार्ड. भी जिहड़ा सेल्समैन दी जॉब आ ओह बहुत टफ आ, बहुत हार्ड आ, बिकॉज दे हैव द रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स विच मीट कस्टमर्स नी. कहते भी उन्होंने एक ड्यूटी होंगी आ भी जे कस्टमर डिमांड्स ने उन्होंने नीड्स ने पूरी हो रही ने कि नहीं हो रही, उन्होंने ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पैदा है. They have to ensure that the customer is satisfied. कहने भी उन्होंने ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो कस्टमर है वो पूरा सैटिस्फाइड हो. And they have to convince them to buy the product they are selling, which is quite challenging task. And उन्होंने ये चीज़ भी मतलब कन्विंस करना पैंदा, मनाना पैंदा कस्टमर नूं भी जिहड़े प्रोडक्ट्स उन्हां कोल हैगे ने उन्होंने खरीद लैण. तो ये चीज़ बहुत उन्होंने लिए हार्ड होंगी है ना, एक उन्होंने लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क आ. Due to this, I would never think of becoming a salesperson. कहने भी यही मतलब रीजन है जिदे करके मैं कदे भी सेल्सपर्सन नहीं बनना चाहूँगा या चाहूँगी. सैकेंड बुलेट पॉइंट अपना हैगा है हाउ यू हर्ड अबाउट इट. तो थोनू इस जॉब बारे में तुसी कितों सुने हो उहदे आप कह सकते हैं आई गैट टू नो अबाउट दिस जॉब फ्रॉम माई कजन हु इज डूइंग द सेम जॉब. कहने भी मैंने ये जॉब बारे अपने कजन तो पता लग गया जिहड़ा कि या जिहड़ी कि ये जॉब कर रही है. She told me about all the difficulties that she faces while doing her work. कहने कि उन्हें मैंने सारी मुसीबतें दसियाँ ना difficulties दसियाँ भी जिड़ियाँ वो ये job करते time face कर दिया या करता है. And how she deals with such issues. And इतने आप जिन्होंने like पहला अपने brother क्या आया है या ना करता है क्या तो इतने ही लगा सकता है that उन्हें मैंने सारी issues बारे दसियाँ भी वो issues ने ना कितना deal कर दिया या deal करता है. Besides this, कहने इसके अलावा she had an incident when a customer refused to buy the product she was selling. कि उन्हें मेरे नाल एक incident share किया, एक उदों दा time period हो सकता है उदा भी कोई इदां दी situation उहदे उन्हें मेरे नाल share की जिहदे विच जिहड़ा customer सी उन्हें refuse करता सी भी मैं तेरा product नहीं लेना है ना, मैं तेरी यह चीज़ नहीं खरीदनी. And talk to her in a rude manner and उन्हें उहदे नाल बहुत मतलब गुस्से दे विच गल की आप कह सकते हैं. थर्ड वन अपना सी वाई यू डोंट वॉन्ट टू डू इट. भी तुम ये जॉब क्यों नहीं करना पसंद करोगे तो ये आप कह सकते हैं आई डू नॉट हैव एनी इंट्रस्ट इन परसुएडिंग कस्टमर्स. कहते हैं मेरा कोई इंट्रस्ट नहीं है भी मैं कस्टमर के नाल डील करा. सो आई विल नॉट डू दिस जॉब इन द फ्यूचर भी. सो इस करके मैं जी जॉब वो नहीं करूँगा या करूँगी फ्यूचर के. And another reason of not doing this job is that I am interested in another field. कहने भी जो मैं एक और reason दसा भी ये job ना करना तो हैगा भी मेरा कोई और field दे विच interest है, मैं कोई और business अपना करना चाहूँगा या और job करना चाहूँगा. देन अपना fourth bullet point हैगा है how you feel about this job. उन्हें तो आप दस देंगे कि आप की feel करते हैं job के लिए, तुम की feel करते हो. I think this job is suitable for those people who are extrovert. कहने भी ये जॉब मेरे अकॉर्डिंगली वो लोगों लिए वधिया है जिहड़े मतलब एक्सट्रोवर्ट ने जिहड़े लोगों नाल घुल मिल जाते हैं ना, वधिया गल्लां कर लैंदे ने, विच आई एम नॉट. जिहड़ा कि मैं नहीं हाँ, मैं बहुत शाय हाँ कह सकते हो तुसीं. एंड दिस जॉब इज बिट स्ट्रेसफुल एज वेल एज रिक्वायर्स लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग विच इज ऑलसो टायरिंग. कहते भी जी जॉब आ बहुत थोड़ी जी मतलब है ना स्ट्रैसफुल आ मेरे लिए. तो यदू मतलब काम करने के लिए अपन जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स चाहिए ने भी जोड़ा कि मतलब मेरे तो नहीं हो सकता या मतलब थकावट महसूस होगी अगर मैं ये चीज़ करूँगा. एट लास्ट आप कह सकते हैं सो दीज आर द रीजनस ऑफ नॉट डूइंग दिस सेल्समैन या सेल्स परसन जॉब. कहते भी यही रीजनस ने भी जिदे करके मैं जॉब नहीं करना चाहूँगा या चाहूँगी. सो अगर थोड़ा आइडियाज़ थोड़ा मिले हो क्लीयर होए हो तो वीडियो को लाइक करो. थैंक यू.